हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आई कि आप कुछ ऐसा बताएं कि जो गरीब किसान, जो दूर दराज के इलाकों में किसान रहते हैं, वो हाइड्रोपोनिक्स करना चाहे तो कैसे करें? उनको तो कुछ भी नहीं मालूम है इसके बारे में। तो फिर मैंने बहुत सोचा इस पे कि क्या किया जाए भाई। अभी तो मान लो एक्सपर्ट वाली चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप कहीं ट्रेनिंग ले चुके हैं, फिर भी तो मैंने सोचा कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन इस पे सेशन रखा जाए। बट ये चूंकि बहुत लंबा काम है, जिन लोगों ने भी ट्रेनिंग ली होगी तो ट्रेनिंग के बाद भी उनको लग रहा होगा कि चीज़ें कुछ अधूरी सी लग रही हैं, चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से हो नहीं रही हैं। जो जाड़े में हो रही हैं वो गर्मी में नहीं हो पा रही, बरसात में नहीं हो पा रही हैं। तो जब तक आप शुरुआत से नहीं जानेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला फ्रेंड्स। बाकी हम लोग कुछ भी कहें, उतना आसान नहीं है जितना ये आसान दिखता है। तो मैंने सोचा कि हफ्ते में 2 दिन के लिए ये सेशन रखूं। तो बस अब ये देखना है कि आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं सेशन 2 दिन रखूं। डेज में बाद में चुन लूँगा, लेकिन बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। अगर आप लोग की बहुत रिक्वायरमेंट आ गई तो आपकी रिक्वायरमेंट का कैसे पता चलेगा? जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, दूर दराज के लोग। और जो बड़े किसान हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो ऐसे अपने साथियों को बताएं कि भाई इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है, तो वो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे और लगातार इस सीरीज को देखेंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ और वीडियो अपलोड करने में काफ़ी देर भी हो चुकी है, तो बस थोड़ा सा देख लीजिए। और अगर आप लोग को लगता है कि मैं ये सीरीज की शुरुआत करूं, तो आप प्लीज़ बता दीजिए कमेंट सेक्शन में डाल के, और अपने लाइक सब्सक्राइब करके। जितने ज़्यादा ज़्यादा होंगे तो मैं फिर कुछ टाइम निकालूंगा, टाइम रहता नहीं मेरे पास, तो फिर आप लोग को सिखाता हूँ। बस विश्वास बनाए रखिए, बहुत अच्छी तरीके से ये सीरीज चलेगी। बिल्कुल शुरुआत से बताऊँगा, बिल्कुल जड़ से, मतलब फ्रॉम स्क्रैच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जैसे ABCD पढ़ाई जाती है उसी तरीके से। ठीक है फ्रेंड, वीडियो एंड कर रहा हूँ, आपके रेस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।